गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिक्किम की एक और एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, जो कि जिसके अंदर हम आपको रेड पांडा बनवाएंगे। बेटा, रेड पांडा जो है वो सिक्किम के राज्य का पशु है और यह अपनी बहुत ही नर्म त्वचा के लिए जाना जाता है। इसे हम कैट बियर और फायर फॉक्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। और जो इसकी लंबाई है ना, वो 50 से लेकर 63 सेंटीमीटर तक की होती है। और जो इसका मेन भोजन होता है वह बांस की पत्तियां खाता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मौसम के फल होते हैं, बीज होते हैं, वो भी खाता है। और यदि इसको मौका मिल जाए तो ये छोटे कीड़े और जो चिड़िया के अंडे होते हैं उन पर भी अपना हाथ साफ कर देता है। लाल पांडा जो है वो भारत में हिमालय की चोटियों पर जो बांस के जंगल होते हैं ना बेटा, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और ये इतना सुंदर होता है इसीलिए इसका शिकार भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण यह लुप्त तो होता जा रहा है। इसके लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो चलिए हम अपनी एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको रेड पांडा बनाना सिखा रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसकी पेंसिल से ड्राइंग करेंगे। इसके लिए देखिए, आप इस तरीके से फ्री हैंड से आसान से, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से बना लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से बना के और इसको नीचे इस तरीके से, ऊपर आपने ट्रायंगल बना लिया, नीचे भी आप इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा शेप नहीं देनी ट्रायंगल की, बट बनाएंगे हम इसी तरीके से, ठीक है। फिर दो छोटे छोटे यहाँ पे और ट्रायंगल शो कर देंगे, ये इसके अभी देखेंगे आप कान बन जाएंगे। और यहाँ पे दो उल्टी सी बना देंगे, जैसे आप सी बनाते हैं ना, और इन पे नीचे इस तरीके से बेटा हम लाइन लगा देंगे। और यहाँ पे दो छोटे सर्कल दिखा देंगे आप, ठीक है। और ये देखिए, ये इसकी ऐसे दो लाइंस दिखा देंगे। और यहाँ पे फिर से एक हम ट्रायंगल जैसा दिखा देंगे इसके मुंह को शो करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे बेटा इसकी बॉडी बनाने के लिए ना, जैसे आप सी बनाते हैं तो इस तरीके से आप इस सी बना के इसकी बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से देखिए, ये सी बनाया हमने। और यहाँ से भी हम एक छोटा सा ट्रायंगल दिखा देंगे इस तरीके से, जो कि लेफ्ट की तरफ खुल रहा है और हमारे राइट की तरफ ये बंद है, ठीक है। और इस लाइन को हम राइट की तरफ ले जाते हुए गोल करते हुए इस तरीके से छोड़ देंगे। और यहाँ से ही लेते हुए एक लाइन ले लेंगे, और जिससे इसका एक पैर और यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, फिर से एक लाइन ले लेंगे और इसको भी डबल कर देंगे, पैरेलल लाइन एक और लेके, और इसको इसके फेस के साथ इस तरीके से दिखा देंगे। और यहाँ से बेटा ये देखिए, इसकी हम पूंछ बना देंगे। जो इसकी पूंछ है, आपको पता है जो इसकी पूंछ है वो भी करीब करीब इसकी बॉडी जितनी बराबर की बड़ी होती है, ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ी मोटी भी होती है ना। और इसमें इस तरीके से ये धारियां होती हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपसे भी इजीली बन जाएगा। अब आप इसमें आउटलाइन दिखा दीजिए, ठीक है। आपके पास घर में स्केच पेन हो या आपके पास मार्कर हो, कुछ भी हो, वैसे तो स्केच पेन ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं ना, तो
स्केच पेन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। देख रहे हैं बेटा, ये हम इसकी हाई बॉल बना दी हमने, ठीक। इस तरीके से आइस बना देंगे ये, ठीक। यहाँ पे ये इनका मुंह बन गया, ठीक। देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से हमने आउटलाइन दे दी है। अब आप क्या करेंगे, अगर कहीं से आपको पेंसिल नज़र आ रही है बेटा, तो सबसे पहले हम उसको क्लियर कर देंगे, मीन्स पेंसिल से जो लाइंस नज़र आ रही है उनको हटा देंगे। अब देखिए, हमने उठा लिया यहाँ पे, इस तरीके से आप ऑरेंज कलर उठा सकते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज शेड दे देंगे, सारे में पहले इस तरीके से ऑरेंज शेड दे दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज दिया उसके ऊपर आपको रेड कलर इस तरीके से कर देना है। ये जहाँ मैंने वाइट छोड़ा है, ये आप भी इसी तरीके से वाइट ही छोड़ेंगे, ठीक है।
तो देखा बेटा किस तरीके से आपका ये रेड पांडा बनके तैयार हो गया। देख रहे हैं बच्चों, अब आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने इस काम को करके अपने ड्राइंग ग्रुप में नाम और क्लास के साथ सेंड करना है। थैंक यू।